जब ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी होती है तो या तो आपका ब्रेस्ट बचाया जाता है या फिर ब्रेस्ट हटाया जाता है। और एक और चीज जो की जाती है वो है आपकी आर्मपिट में से लिम्फ नोड निकाली जाती है। अगर अर्ली स्टेज डिजीज है तो हम एक सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी करते हैं जिसमें 3 या 4 लिम्फ नोड निकाली जाती हैं। और एक्सिलरी डिसेक्शन दूसरी प्रोसीजर होता है जिसमें हम सारे लिम्फ नोड निकालते हैं। ये तब होता है जब आपका लिम्फ नोड जो है वो डिजीज से इन्वॉल्व होता है। तो इन दोनों में आपको क्या फर्क पड़ता है? अगर सेंट्रल नोड बायोप्सी होती है तो आपके बाजू के स्वेलिंग का रिस्क जो है वो less than 6% होता है, और वही चीज एक्सिलरी डिसेक्शन जब करते हैं वो बढ़कर 25% से 30% भी हो सकता है। तो इसको इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसमें दो चीजें हैं जो आप कर सकते हो। एक है लिम्फेडीमा यानी कि आर्म के स्वेलिंग से बचने के लिए जो प्रिकॉशंस होते हैं उसको बड़ी शिद्दत से फॉलो करिए, और दूसरा वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट यानी कि आप एक्सरसाइजेस करें जिससे कि आपके बाजू का जो मोशन का रेंज है वो रिस्टोर हो जाए, आप में लिम्फेडीमा ना हो और आपका पोस्चर भी जो है वो बिल्कुल ठीक रहे। तो मैं अब आपको बताऊंगी कि लिम्फेडीमा के लिए क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। तो लिम्फेडीमा से बचने के लिए जो प्रिकॉशंस आपको लेनी होती हैं उनमें से एक ये है कि इस बाजू में आप अपना ब्लड प्रेशर ना नपवाइए, ना ही इसमें कोई सुई लगनी चाहिए, ना ही इससे कोई सैंपल लेनी चाहिए। टाइट कपड़ों को अवॉइड करिए, टाइट रिंग्स नहीं, टाइट ज्वेलरी नहीं, लूज बैंगल्स पहन सकते हैं लेकिन टाइट कुछ भी नहीं। भारी वजन नहीं उठाना चाहिए, हम कहते हैं कि 5 किलो से ज्यादा वजन नहीं, और खास करके जो अनइक्वल वेट्स हैं उसको तो बिल्कुल भी नहीं। तीसरी चीज, कोशिश करिए कि स्टिंग्स बाइट्स ये सब चीजें ना हो, हम तो ये भी कहते हैं कि मस्कीटो बाइट तक ना हो। तो उसके लिए आप जो क्रीम है ओडोमोस ये सब चीजें आप लगा सकते हैं या फिर नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको गार्डनिंग का शौक है तो आप कोशिश करिए कि ग्लव्स वगैरह पहनकर गार्डनिंग करें, और जब नाखून काटते हैं ना तो कोने से मत काटिए क्योंकि उसमें आपके नाखून के कोने से छिलने का खतरा रहता है और वहां से इन्फेक्शन ट्रैवल कर सकता है और आपके बाजू की स्वेलिंग हो सकती है। फिर एक अहम बात है एयर ट्रैवल। एयर ट्रैवल के बारे में थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्सी जरूर है लेकिन कोशिश करिए कि एयर ट्रैवल के दौरान आर्म स्लीव जो कि एक कंप्रेशन स्टॉकिंग होता है उसको जरूर पहने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द फ्लाइट, और जब आप उतर जाएं उसके 1 घंटे बाद आप बेशक उस स्लीव को उतार सकते हैं। अगर शॉर्ट ड्यूरेशन फ्लाइट्स के लिए नहीं यूज़ करते तो कोई बात नहीं, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन पे तो ज़रूर यूज़ करें। अगर आपको मान लीजिए चोट लग जाती है तो उसको रनिंग वाटर में धोएं हाथ को, और उस पर आप एक एंटीसेप्टिक लगाएं और कोशिश करिए उसको कवर करने की एक एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग के साथ। और फिर चाहिए अगर लगता है आपको कि आपके बाजू में स्वेलिंग हो रही है या रेडनेस हो रही है या कोई फीवर हो रहा है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। अब दूसरा और बहुत अहम हिस्सा जैसे मैंने आपको बताया था वो है एक्सरसाइज, और इसके बारे में आपको बताने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर स्मृति नेहा जो कि ऑन्को फिजियोथेरेपिस्ट है और लिम्फेडीमा स्पेशलिस्ट। सो ओवर टू डॉक्टर स्मृति। थैंक यू डॉक्टर गीता मैम। सो जो भी हम अभी एक्सरसाइजेस करेंगी उसको हम सर्जरी के होने के पहले दिन से शुरू करते हैं। एक्सरसाइजेस करने के कारण होते क्यों हमें एक्सरसाइजेस करना ज़रूरी है, ताकि हमारा कंधा पूरा काम कर सके, हमारा पोस्चर ठीक रहे, हाथ में सूजन आने से बच सके और हमारी रिकवरी फास्ट हो, ताकि हम डे टू डेली एक्टिविटी जैसे हम सर्जरी के पहले थे वैसे ही सर्जरी के बाद उसको परस्यू कर सके। तो जो प्रिकॉशंस है वो ऑलरेडी डॉक्टर गीता ने एक्सप्लेन कर दिया है, तो कुछ एक्सरसाइजेज हैं उसको हम लोग करेंगे। ये स्माइली बॉल है उसको हम हाथ में लेंगे, जिस साइड हमारी सर्जरी हुई है उसी हाथ में लेना है। इस तरह से मुट्ठी में बंद करेंगे, उसको प्रेस करेंगे और होल्ड करेंगे 10 काउंट तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। 5 बार यहाँ पे, 5 बार यहाँ, 5 बार ऊपर। दोनों हाथ को क्लास्प करेंगे, गहरे सांस नाक से भरते हुए हाथ को ऊपर ले जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, हाथ को उल्टा स्ट्रेच करेंगे, डीप ब्रीथ करेंगे एंड मुंह से छोड़ते हुए हाथ को नीचे लाएंगे। दोनों हाथ को साइड में खोलेंगे और नाक से गहरे सांस लेते हुए हाथ को ऊपर ले जाएंगे एंड देन मुंह से छोड़ते हुए हाथ को नीचे लाएंगे।
दोनों हाथ को क्लैस्प करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, सर के पीछे इसको रखेंगे और जिस तरह से बटरफ्लाई अपने पंख बंद करती है, खोलती है, उसी तरह से हम इसकी मूवमेंट करेंगे जिसमें कि हमारा छाती आगे की तरफ और कंधा पीछे की तरफ जाएगा। इस तरह से खोलेंगे, ओपन एंड देन क्लोज, फिर हम इसको खोलेंगे, इस तरह से स्ट्रेच करेंगे, 10 काउंट्स तक होल्ड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड देन रिलैक्स। जिस साइड हमारी सर्जरी हुई है ब्रेस्ट की, उसी हाथ को ऊपर ले जाएंगे। ऊपर ले जाते हुए जो हमारा अपोजिट ईयर है, अपोजिट कान है, उसको टच करेंगे, हाथ बिल्कुल हमारा सीधा रहेगा, इस तरह से 90 डिग्री पे होल्ड करेंगे 5 काउंट्स तक, 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन रिलैक्स। दोनों हाथ ऐसे साइड में रखेंगे, कंधा हमारा लेवल में रहेगा और कंधे को मूव करेंगे क्लॉकवाइज 10 टाइम्स एंड देन एंटी क्लॉकवाइज। जो हमारा ऑपरेटेड साइड है उसको हम पीछे की तरफ इस तरह से ले जाएंगे और जो अच्छा वाला हाथ है उसको उस हाथ से पकड़ के नीचे की तरफ खींचेंगे, कंधे को पीछे की तरफ इस तरह से खींच के रखेंगे, होल्ड करेंगे 10 काउंट्स तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रिलैक्स और फिर हाथ को अपनी जगह पे लेकर आएंगे। दोनों हाथ को हम वॉल पे रखेंगे इस तरह से और धीरे धीरे उंगलियों से वॉक करेंगे वॉल पे, साथ में पैर से भी आगे बढ़ेंगे हाथ के साथ साथ, इस तरह से फिंगर ऊपर की तरफ बढ़ेगा और पैर नीचे की तरफ और फिर दोनों हाथ हमारा ऊपर जाके टच करेगा, चेस्ट पूरा वॉल से टच करेगा, होल्ड करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और फिर वापस नीचे। जिस तरफ हमारी ब्रेस्ट की सर्जरी हुई है उसी हाथ को हम दीवार पे इस तरह से साइड में रखेंगे। अब हम साइड में वॉक करेंगे ऊपर की तरफ और पैर से भी साइड में दीवार की तरफ बढ़ते जाएंगे, फिर आर्मपिट को टच करेंगे दीवार के साथ, होल्ड करेंगे 10 गिनने तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और फिर वापस। ये बेसिकली होता है हमारे कंधे को अपनी जगह पे अलाइनमेंट में रखने के लिए। उसमें क्या करना है, अपने घर का कोई भी कॉर्नर आप ले लेंगे, इस तरह से पीछे की तरफ घूमेंगे, दोनों हाथ ऐसे दीवार पे रखेंगे, आपका हाथ दीवार से सटा हुआ होगा, दोनों पैर हमारा पीछे की तरफ होगा, अब इसमें छाती आगे की तरफ इस तरह से और गर्दन ऊपर की तरफ होगी, होल्ड करेंगे 10 काउंट्स तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड देन रिलैक्स और फिर सीधे होकर फिर वापस कर लेंगे। थैंक यू स्मृति, तुमने बहुत अच्छे से एक्सरसाइजेस बताया। तो आपको जैसे बताया कि एक्सरसाइजेस जो हैं पोस्ट ऑपरेटिव डे 1 से शुरू होकर आगे चलनी चाहिए, मतलब इसको रोकना नहीं है आपने। जब शुरू में हम बताते हैं कि आपको ये हर 2 या 3 घंटे में करना है और 8 से 10 बार करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे ही करना है। अगर आप थक जाते हैं तो कम करिए, 3 से 4 बार करिए, लेकिन करिएगा ज़रूर। और इसको करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत महसूस होती हो, जैसे कि कोई ब्लीडिंग हुई हो या फिर कोई आपको पेन हो रहा हो या कोई स्वेलिंग हो रही हो, कोई अनयूजुअल सिम्टम आपको लगे, तो आप ज़रूर अपने सर्जन से संपर्क करें और अपने फिजियोथेरेपिस्ट को ज़रूर कॉल करिए। याद रखिए, आपकी रिकवरी में एक्सरसाइज की बहुत अहम भूमिका है। हैप्पी रिकवरी।